भाजपा के बाद अब चुनावी रण में अपने प्रचार प्रसार को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के दिग्गजों की चमक देवभूमि में देखने को मिल रही है। देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने जहां घोषणा पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया, तो वहीं उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार भी किया। एक रिपोर्ट। देवभूमि में जमने लगा सियासी अखाड़ा, क्या सियासी सितारों की चमक से चमकेगी उम्मीदवारों की किस्मत? हर घर हर चौखट पर पहुंच रहे राजनीतिक दल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुछ दिन बचे हैं और देवभूमि में सियासी सितारों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। अभी तक बीजेपी चुनावी रण में अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी। भाजपा में एक के बाद एक दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। भले ही कांग्रेस के पास स्टार प्रचारकों की कमी हो, लेकिन कांग्रेस चुनावी मैदान में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देने के लिए पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने आकर जनता से संपर्क साधा, जिसके बाद देहरादून दौरे पर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण बातें: सिलेंडर के दाम 500 रुपए के पार न जाने का दावा, 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा, रोजगार में महिलाओं को 40% आरक्षण दिया जाएगा, पुलिस विभाग में बंपर भर्ती निकाली जाएगी, कमजोर परिवारों के लिए 40,000 की सालाना मदद दी जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। वहीं वर्चुअली रैली और जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने जाएं तरफ उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया और कहा कि उत्तराखंड से गांधी परिवार का पुराना नाता है, तो वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जनता से किए वादों को सिर्फ तोड़ने का काम किया है। महंगाई से आज जनता त्रस्त हो चली है, बीजेपी सरकार में हर तबका परेशान है। सबसे बड़ा दुख तो इस सरकार के कार्य को देखकर इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जितने बड़े बड़े वादे आपको दिए, जितनी आशा से उम्मीद से आप सबने इनका समर्थन किया, उसको तोड़ दिया है। जहां जहां मैं जाती हूं बहुत स्पष्ट होता है कि पिछले 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया। पिछले 5 सालों में सिर्फ जो आपकी उम्मीदें हैं वो टूटी, जो आपको वादे किए थे वो टूटे। सभी राजनीतिक दलों के सियासी सितारे देवभूमि में चुनावी माहौल गर्माने के लिए पधार रहे हैं। 14 फरवरी से 2 दिन पहले तक ये गर्माहट अब यूं ही बरकरार रहने वाली है। जनता को लुभाने के लिए खूब दावे और वादे भी किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन वादों के सहारे नैया पार हो पाएगी या नहीं।